नमस्ते, मेरा नाम है हिरण्य चड्ढा खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि कारण के वापस आने से अर्जुन गुंडे मूवी में एक्टिंग नहीं करता, समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। हाँ, वैसे मैं पिछले कई दिनों से यूट्यूब पर एक चीज नहीं, दो चीज नोटिस कर रहा हूँ कि पहले मेरे चैनल के ट्रैवल व्लॉग पर व्यू तो एकदम पहले से भी नहीं आ रहे थे, और फिर उस पर और भी ज्यादा व्यूज गिर गए। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए ट्रैवल व्लॉग बनाना थोड़ा बंद कर देता हूँ, क्योंकि उससे अभी मेरा चैनल जो कि पहले ही मर चुका है उसको सजाए मौत एकदम पक्के तौर पर सुनाई जाएगी, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन के लिए, अभी तो मेरे ट्रैवल को काफी और दिन बाकी हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए मैंने ट्रैवल वीडियो अपलोड को निलंबित करने का निर्णय लिया। और दूसरी बात, चाहे इंडिया हो कोरिया हो, आजकल यूट्यूब की दुनिया कंट्रोवर्सी से खचाखच भरी हुई है। कि कंट्रोवर्सी का सार ये होता है कि अचानक यूट्यूब पे एक बंदा आ जाता है कि जो दावा करता है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों के रुपए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये गाड़ी चलाता हूँ, वो गाड़ी है, यहाँ पे घर है, वहां घर है, मैं अमीर कैसे बना इसका राज मैं जानता हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ अच्छाई के लिए। लेकिन ऑफकोर्स कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, इसलिए उसको बताने के लिए मैं आपसे कुछ पैसे लूंगा, मेरे को बस लाखों पेमेंट करो तो मैं वो आपको वो राज बता दूंगा। लेकिन बाद में 3-4 साल बाद यूट्यूब पे इतने सारे इंटेलिजेंट लोग आ गए कि उन्होंने ऐसे सो कॉल्ड अमीर लोगों का जब प्रॉपर खंगालना शुरू कर दिया, उन्होंने जब उनके अतीत पर जांच पड़ताल की, तो पता चला कि एक्चुअल में उनके पास इतना पैसा कभी उनके लाइफ में था ही नहीं। यानी कि जिसका वो लोग दावा करते थे कि ये प्रॉपर्टी, वो गाड़ी और फिर ये बिजनेस, मतलब जो भी सक्सेस कहानी वो एक्चुअली हमारे सामने लेकर आए, जिसके नाम पर वो हमसे पैसे लेते रहे, उसका असल में कोई मौजूद ही नहीं है। और फिर ये सारे भंडाफोड़ होने के बाद, इंडिया का नहीं बता, कोरिया की यूट्यूब स्टोरी की बता रहा हूँ, और जब ये सारे लोगों का भंडाफोड़ हो गया तो सारे के सारे लोग उन पर इल्जाम लगा रहे कि ये साला स्कैमर है, हमने गलत लोगों को फेमस कर दिया, हमने गलत लोगों को ये पेमेंट कर दिया, वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, तो इस पे मेरे मन में एक प्रश्न जाग उठा कि एक्चुअली जो स्कैम करते हैं, स्कैम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले उसको समझते हैं। कोरिया के संविधान के अनुसार स्कैम का मतलब ये होता है कि धोखेधड़ी तरीके से आपके संपत्ति या फिर आपके पैसे को अपने फायदे के लिए ऐसे किसी धोखेधड़ी तरीके से हड़पना, हाँ इसका मतलब होता है स्कैम। और फिर देखो ये स्कैम है या नहीं, और फिर उसके पास सही में इतने करोड़ों के रुपए है या नहीं, और फिर उसने कौन सा बिजनेस किया जिसकी वजह से वो इतने अमीर बन गए, इस पे बात करने से पहले जो लोग, मतलब जो पहले उनके क्लास सुन चुके हैं या फिर उनसे बिजनेस मॉडल सीख चुके हैं, और फिर आज 4-3 साल बाद बता रहे हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, ये लोग स्कैमर हैं, मतलब एक्चुअली इनके पास ऐसा कुछ था नहीं जिसका वो लोग दावा करते थे, और फिर मेरे को इनको देखकर ना दिमाग में और फिर मन में इतना बड़ा ज्यादा गुस्सा एकदम वोल्केनो की तरह उठ के आ रहा है, इतना उठ के आ रहा है कि आजकल के लोगों को खुद पे, अपने पे जितना भरोसा नहीं होता ना, उतना वो लोग ऐसे अनजान बंदे पर विश्वास कर लेते हैं। सही में देखो इसका सिचुएशन हूबहू ऐसा होता है कि मैं आपको समझा देता हूं। अचानक देखो आप सड़क पे चल रहे हो, फिर अचानक आपका मुलाकात किसी अनजान आदमी से होता है, वो बोलता है कि अरे भाई आप मेरे को जानते हो, मेरे पास करोड़ों के रुपए हैं, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी है, लैम्बोर्गिनी चलाता हूँ, रोल्स रॉयस चलाता हूँ, और फिर मेरे पास ऐसे बहुत सारे बिजनेस है और मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स ये सीक्रेट तरीका है, मेरे पास ऐसा राज है जिससे हर कोई बंदा अमीर हो सकता है इस समाज में, लेकिन मैं ये अच्छे के तौर पर बताना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको मुझे उसके बदले कुछ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ अमीर बना दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली के सड़क पर, मुंबई के सड़क पर और फिर राजधानी सियोल के सड़क पर अचानक आपके साथ ऐसा होता है, तो पहली बार आप मन में क्या सोचोगे? जाहिर सी बात है, मैं एक बात बता सकता हूं कि 100 में से 100 लोग यही सोचेंगे कि बंदा पागल है क्या, उसका दिमाग कोई सरफिरा है क्या, चलो भाई निकल देता हूं। हाँ, और फिर आजकल यूट्यूब पे जो हो रहा है भाई, इससे उसका अंतर सिर्फ इतना ही है कि अभी जिस बात का मैंने उदाहरण दिया वो सड़क पे आपके साथ रियल में हो रहा है, फिर ये बात आपके साथ यूट्यूब पर हो रहा है। देखो आजकल पता है लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि लोगों को ना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहता जितना वो लोग यूट्यूब पे देखे हुए किसी अनजान बंदे पर विश्वास कर लेते हैं। देखो किसी ने बोल दिया कि मेरे पास करोड़ों रुपए है तो वो मान जाते हैं, और फिर किसी ने बोल दिया कि मेरे पास ऐसा ऐसा बड़ा बिजनेस है जिसकी वजह से मैं अमीर बन गया हूं, मेरे हर महीने करोड़ों के प्रॉफिट आ जाते हैं, मान जाते हैं। हाँ एक बात बताओ, असल में हो सकता है कि उसके पास सही में करोड़ों रुपए हो, सही में उसके प्रॉफिट बहुत करोड़ों से ज्यादा हो, सही में उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो, उसकी गाड़ी अच्छी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, मतलब सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सा दिमाग लगा के बस सोच रहा है कि जिसके पास ऑलरेडी इतने करोड़ों रुपए है, जो हर महीने करोड़ों लाखों में इतने अच्छे अच्छे कमा रहे हैं, और फिर वो आपका क्या लगता है कि वो आप जैसे अनजान को अमीर बनाएगा? हाँ
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक इस समाज में ऐसा कोई इंसान नहीं आया कि अपने परिवार, यानी कि अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि उसके पास वो तरीका है, वो रियल में काम करता है, लेकिन इस समाज में, पूंजीवादी समाज में, हमारे जो पाई होता है ना, पाई, यानी कि चलो इंडिया के हिसाब से इसको रोटी कहते हैं, रोटी का आकार फिक्स्ड होता है, निर्धारित होता है। और फिर अगर मेरे पास अगर ऐसा कोई तरीका होता, ऐसा कोई राज होता जिससे मैं 100% प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो लोगों से पास लाखों रुपए लेकर मैं उसको बताने वाला इतना बड़ा चूतिया नहीं हूं। लेकिन पता है आजकल के लोग ऐसे लोगों की बात पर अपने सारे पैसे दे देते हैं, और फिर अपने कीमती समय, अपनी जवानी, और फिर अपनी फुर्सत बर्बाद कर देते हैं, जिनको वो लोग कभी रियल में देखे ही नहीं। हाँ, कोरिया में भी ये चीज हो रही है, और फिर इंडिया में भी पिछले साल इसी बात पर यूट्यूब पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और कोरिया में ये कंट्रोवर्सी अभी भी जारी है। बहुत सारे लोग आजकल आवाज उठा रहे हैं कि जिसके बिजनेस के नाम पर, जिस बिजनेस मॉडल के नाम पर उन्होंने करोड़ों के क्लासेस बेचे, उन्होंने करोड़ों के जो उनसे पैसे लिए, और फिर जाहिर सी बात है कि जिन्होंने उनको पैसे दिए वो अमीर तो बनने से रहे, क्योंकि जिन्होंने उन बंदों से, मतलब उन बेचारे लोगों से पैसे लिया है, उनके पास कभी ऐसा बिजनेस मॉडल, ऐसा पैसा, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉफिट कमाने का तरीका एक्चुअली में उनके पास कभी मौजूद था ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर, अंत में जाकर ये लोग अमीर बन गए। क्यों? क्योंकि हमारे इंटरनेट साइट में ना ऐसे हजारों से ज्यादा उल्लू के पट्टे बैठे हैं जो कभी खुद कुछ करना नहीं चाहते, खुद अपने खून पसीना बहाकर मेहनत, काम घंटा नहीं करना चाहते, बस उनको यूट्यूब पर एक बार देखे हुए किसी अनजान बंदे के चेहरे पर, उनकी बातों पर इतना ज्यादा विश्वास है, इवन 100% से ज्यादा उन पर विश्वास करते हैं कि अगर मैंने उनको कुछ लाखों रुपए दे दिए तो वो एक दिन मेरे को अमीर बनाएगा। अब एक घंटा ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जिनके साथ स्कैम हुआ है, मतलब सही में उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उन पे दया भी आती है, लेकिन एक बार बस सिंपल से दिमाग लगाकर सोच लेते हैं, भाई ऐसा बोल सकता है, सोच सकता है, आंखों से देख सकता है, भाई सोच लेते हैं कि भाई अगर सही में इसके पास इतने करोड़ों रुपए होते, और फिर उसकी बातों मुताबिक अगर वो अच्छाई के लिए हमसे ये पैसे कमाने का तरीका हमको सिखाना चाहता है, तो हमसे लाखों रुपए लेने की जरूरत ही क्या थी, जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए है कि नहीं। और फिर जब जनता उनसे सवाल पूछती है कि आखिरकार किस वजह से, मतलब किस बिजनेस मॉडल से वो इतने अमीर बन गए, तो उनमें से कोरिया में बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है, लेकिन उनमें से किसी एक भी बंदे ने आज से उसका स्पष्ट कारण नहीं दिया, एक भी बंदे ने। सब बोलते हैं कि बिजनेस किया, सेल किया, वो किया। अबे तू कौन सा बिजनेस, अबे कौन सी बिजनेस की बात चल रही है? जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार कौन से बिजनेस में हर महीने करोड़ों के मुनाफा फिक्स होता है। हर महीने एक बिजनेस से करोड़ों का मुनाफा कमाना ये इंडिया, कोरिया, किसी भी देश में आसान बात है नहीं। लेकिन उनका नाम टीवी चैनल न्यूज पर नहीं आता, सिर्फ यूट्यूब पर आता है। क्यों? सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन दोनों चीजों पर आता है। हाँ, इसके रीजन कभी समझा? जैसे इंडिया में धीरू भाई अंबानी का नाम है, अंबानी का नाम हो गया, और फिर सैमसंग के सीईओ हो गया, और इलोन मस्क, बिल गेट्स, जिनको हम सब जानते हैं, जिनको कुछ स्पष्ट कारण देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आपने कभी उनको टीवी पर आके, मतलब मैं पैसे कैसे कमाता हूं उसका क्लास दूंगा, ऐसे कभी बोलते देखा है? कभी नहीं। अरे मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि आज खुद पे विश्वास करो, दूसरे लोगों पे किसी पर कभी विश्वास मत करो, कभी भी। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं भी एक बार उनके झांसे में आके उनकी क्लासेस लेने वाला था। तब मेरे अकाउंट में पैसे थोड़े कम थे, जिसकी वजह से मैं वो क्लास लेते लेते बच गया। लेकिन अभी कुछ सालों बाद जब यूट्यूब पे इस तरह की कंट्रोवर्सी को होते देखता हूं, तो मुझे अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि हाँ, अच्छा हुआ कि उस टाइम मैंने वो क्लासेस नहीं ली, उस पैसे को मैंने अपने लिए लगाया, अपने ट्रैवल पे, अपने दारू पे, अपने घर पे, अपने पे लगाया। अरे भाई, तुमने कितनी मेहनत करके, खून पसीने करके जो पैसे कमाए हैं, उसका वैल्यू तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। अभी उसकी रक्षा करो। ऐसे लोगों पे तुम पैसे बेहुदा खर्च कर रहे हो जिसका बैकग्राउंड तक का सत्यापन नहीं हुआ, जिसको तुम असल में देखे भी नहीं हो, जिसको लोग जानते ही नहीं है। बस उसने बोल दिया कि मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो मान गया। चलो मैं भी बोल सकता हूं मेरे पास स्विट्जरलैंड में 2 करोड़ के दो दो फ्लैट है, मान लोगे? नहीं ना। तो भागे लोग जो यूट्यूब पे इस तरह के बातें जो इतने आपने छाती पीट कर कह रहे हैं, क्यों लोग उस पे मानते हैं और फिर उसके बातों में आ जाते हैं और फिर उसको और अमीर बनाते हैं अपने पैसे देकर? मेरे को ये सही में समझ में नहीं आता। बाद में जो 2-3 साल बाद उनकी आंखें खोलती है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अबे 2-3 साल पहले सोच लेते हैं भाई, उससे अच्छा उस पैसे को अपने पे लगाते। अच्छा ये है कि उस पैसों से तुम अपने लिए दारू पियो,
बहुत कुछ सीख पाओगे, सही में नशे में उससे ज्यादा कुछ सीख पाओगे जितने वो लोग तुमको मतलब कुछ सिखाएंगे भी नहीं, समझे कि नहीं। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई बात जानने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीखे को सबक सबको, जय भारत जय साउथ कोरिया।